Assalamualaikum। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, अनोनिमस की पब्लिक, सबसे पहले मैं आपको सुनाएंगे सस्ती शायरी। और सस्ती शायरी है, जब हम स्कूल जाते थे और गेट बंद मिलता था, थोड़ा सा उसके ऊपर है, फिर घुमा फिरा के बाद पबजी पे आ जाएगी हमेशा की तरह। तो गाइस, अर्ज किया है कि दिल खुश हो जाता था जब हम बंद देखते थे स्कूल का गेट, मतलब जब कभी महीने में, दो महीने में बारिश की वजह से कैसे ना कैसे छुट्टी होती थी, तब की बात मतलब बताने की कोशिश कर रहा है आपका अनोनिमस। कि दिल खुश हो जाता था जब हम बंद देखते थे स्कूल का गेट, लूट कर ले चाहे जितनी मर्जी पर नहीं भरता हमारा पेट। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। तो अनोनिमस की पब्लिक, सबके सब ठोक दो लाइक बटन गाइस, दबा दो लाइक बटन सबके सब। और एक अफवाह भी आई है, पता नहीं गाइस अफवाह है या रियल है बात, अब आप लोग ही बता सकते हो। कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पबजी बैन हो जाएगी, फिर हमारी तो बैन ही बच जाएगी गाइस, है ना? फिर मतलब फिर क्या होगा? लाइक सोच सोच के हम तो टेंशन से, हमारा बुरा हाल हो रहा है। पब्लिक, आप लोग कमेंट्स में बताओ बैन होगी या नहीं होगी, और लाइक क्या हो सकता है वो आप सब कमेंट्स में बताना, अपनी अपनी राय देना, और फिर लाइक कमेंट्स में बातें करेंगे। हमारी क्या जो लाइक वीडियो का अलग नशा होता है और कमेंट्स का अलग होता है। आप लोग कमेंट्स रीड किया करो, एक दूसरे के सवाल के जवाब दे दिया करो, तो लाइक काफ़ी मज़ा आता है कमेंट्स में भी, आपका दिल लगा रहेगा। हाँ, तो गाइज हम लोग जा रहे थे नोवो यानी कराची, और FPP पुश कर रहा हूँ, तो TPP काफ़ी अजीब लग रहा था गाइज, ऐसा मतलब अजीब सा लग रहा था, ये बंदा आगे आगे क्यों भाग रहा है, वो काफ़ी अजीब लग रहा था FPP खेल खेल के ना। और एक तो मिडल इसमें इतने कम प्लस होते हैं ना गाइस, अगर आपको पॉइंट्स प्लस का नहीं पता तो सबसे कम प्लस होते हैं मिडल ईस्ट में, उससे थोड़े से ज़्यादा प्लस होते हैं यूरोप में, और पॉइंट्स जो अच्छे प्लस होते हैं वो होते हैं एशिया में, क्योंकि एशिया जो वो सबसे पुराना सर्वर है, तो इसलिए उसमें अच्छे प्लस हो जाते हैं। मिडल ईस्ट नया सर्वर आया था लेकिन अभी कुछ सीज़न पहले ही मिडल ईस्ट आया, तो उसमें काफ़ी कम पॉइंट्स प्लस होते हैं पब्लिक। हम आए थे यहाँ पे नोवो, और कंटेनर्स पे लूट वगैरह करने के बाद हमें M4 मिल गए, हल्की फुल्की गाइस हमने लूट की। उसके बाद डायरेक्ट उठाई अपनी मेहरान गड्डी, और मेहरान गड्डी उठाने के बाद गाइस हम लोग जाएंगे, बताओ कौन सा शहर जाएंगे? तुक्का लगाओ कमेंट्स में गाइस, तुक्का लगाओ गाइस सबके सब। हम लोग जाएंगे सीधा मुल्तान यानी मिलिट्री बेस, और यहाँ पे बंदे हमारा कर रहे होंगे वेट। गाइस एक अचीवमेंट है, और वो अचीवमेंट ये है कि आपको क्रेट्स के अंदर से ना, जो बंदे मर जाते हैं उनके क्रेट्स के अंदर से 20 आउटफिट उठाने हैं। लाइक मुझे नहीं पता था, मेरे टीममेट ने मुझे बताया, तो मैं ट्राई कर रहा था कि मैं 20 आउटफिट कलेक्ट कर लूँ, तो देखेंगे हम लोग 20 आउटफिट उठा पाते हैं या नहीं बाबा जी। और लेकिन ये मैं कर के रहना है पूरा, तो लेकिन देखेंगे हम लोग कितने उठा पाते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक बंदा ने नॉक किया, उसका टीममेट पीछे से आ रहा था, तो मैं सांप बन जाता हूँ, सांप बन के ज़िंदगी बचाइए। अब इस बंदे ने इतना गंदा डैमेज दिया हमारे टीममेट को, और वो काफ़ी लाइक लो हैं, और फिर वो हील करेंगे अपने आप को, और हम आराम सुकून से मज़े से यहाँ पे लूट। और हमें मिल गई गाइस पिचकारी यानी फ्लेयर गन, और मज़े की लूट। गाइस जब मैं लाइक रश गेम प्ले खेलता हूँ ना, तो फिर मैं यूज़ करता हूँ दोनों AR यूज़ कर लेता हूँ, जैसे अभी M4 और लाइक मशीन गन या DP हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो इसलिए कि स्नाइपर से गाइस वो फिर लॉन्ग रेंज, अब अगर रैंक पुश करूँ तो स्नाइपर बेस्ट है, उसमें आपका डैमेज ज़्यादा हो जाएगा और अच्छे प्लस हो जाएंगे, तो स्नाइपर तब के लिए बेस्ट रहती है। बट अभी के लिए मैं, मुझे किल चाहिए थी, तो वो एकदम से गन स्विच करना पड़ जाना, तो इसलिए मैं दोनों के दोनों AR यूज़ कर रहा था। तो उसके बाद गाइस अभी तक मेरे माइंड में वो आइडिया नहीं आया था कि मैंने क्रेट से कपड़े उठाने हैं, वरना हम बॉट की क्रेट से भी कपड़े उठा के ना अपना मिशन पूरा कर लेते हैं। तो उसके बाद 6x को बना लिया 3x, हिला के देखा, हाँ भाई हिल रहा है नाइस। फिर मेरे माइंड में आया गाइस चलो अब ये काम करते हैं कि हम जमा करते हैं कपड़े सबकी क्रेट से, और आप लोग मिल के मेरे साथ काउंट करोगे कि हमने कितने कर लिए। यकीन करो गाइस मुझे भी याद नहीं है कितने किए थे, बट ये है कि हमारे 20 पूरे नहीं हुए थे, लेकिन इंशाल्लाह हम ज़रूर पूरे करेंगे। तो मेरे माइंड में जब आता है कि हम ये मैं कर सकता हूँ, लाइक जब रश खेल रहे हैं तो मैं क्रेडिट से कपड़े उठा सकता हूँ, फिर हमने यहाँ पे उठाना शुरू किया। अब ये वाला आउटफिट उठाया भाई, कराटे वाला एक, येलो वाला दूसरा, और ये आउटफिट हम जाके उठाएंगे बाबा जी तीसरा, तीन आउटफिट हो गए। गाड़ी उठा के आगे वाली क्रेट से जाते हैं, ये पहले की बॉडीज पड़ी हुई थी, बट ये नहीं है कि आपको मार के ही उठाने हैं, मतलब मरी हुई क्रेट से आप अगर उठाते हो तो आई गेस हो जाएगी आपकी अचीवमेंट, अभी तक मैंने देखी नहीं है, इंशाल्लाह मैं जाके देखूंगा याद रही तो दोबारा। तो ये हमने चौथा आउटफिट उठा लिया गाइस, ये उठा लिया पाँचवा, लॉल 15, मेरी गिनती देख रहे हो गाइस, सस्ती गिनती विद एनोनिमस, ये हो गए 6। और एक बंदा आगे मारा था लाइक हमने, जिसने हमारे टीममेट को लो किया था, उसकी भी एक बार क्रेट से जाके हम आउटफिट उठा लेते हैं।
तो हमारे आउटफिट हो जाएंगे सात बाबा जी, और ये हो गए सात। ओके नाइस। अब हम उठाएंगे अपनी मेहरान गड्डी, हमारे पास है पिचकारी यानी फ्लेयर गन। बॉट भैया आए, हमने बॉट भैया को यहाँ मारा, हमारे बाबू भैया। और बॉट का केडी ज़्यादा करता है गाइस, बॉट इसको नहीं छोड़ना चाहिए। फिर तो बॉट मार के हम लोग जाएंगे गाइस। वैसे एक बात है, अगर बॉट आना बंद हो गए पबजी में तो हमारा क्या बनेगा, है ना गाइस? ये बात तो हमने सोची नहीं। लाइक पबजी बंद हो जाए तो पता होगा कि हाँ बंद हो गई, ठीक है। लेकिन अगर बॉट आना बंद हो जाए ना, दिल को सुकून नहीं मिलेगा, बस पता नहीं बेचैन रहेगी। बॉट आ जाए, बॉट आ जाए। केडी, केडी का क्या होगा? जिनकी केडी 10 की होती है उनकी एक की होगी फिर गाइस, है ना? मेरी केडी 0.01 की हो जाएगी अगर बॉट नहीं आएंगे तो। गैस फिर हमने हिल पे आके रोज़क की फ्लेयर गन चलाई। और मैं यहाँ पे इसलिए कि रश बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, हर तरफ से बंदे आ जाते हैं, और एकदम ओपन में चलाई थी इसलिए। तो फ्लेयर चला के गैस हमने किया वेट बाबा जी, बट वेट करने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, ड्रॉप आ जाता है, बंदे नहीं आते। लेकिन बंदे आके गैस थोड़ा सा दूर रुकेंगे हमसे। अब ड्रॉप में आई थी गैस ग्रोज़ा और एमके, तो मैंने यहाँ पे ग्रोज़ा उठा ली, 6x छोड़ दिया, 4x चला रहा था एम फोर पे। और गाड़ी आती है गैस इन वाले कंपाउंड में, तो हम भाई फैसला करते हैं अपनी बगी यानी अपनी छिपकली उठा के हम फौरन से रस करेंगे, रस सीधा सीधा उन घरों में, और वहाँ जाके थोड़े से किल उठा के अपने आउटफिट ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे आएगा साउथ, साउथ नहीं होता, साथ होता है, मेरी ज़बान ही फिसल जाती है गैस, कुछ को कुछ बोल देता हूँ मैं। ओके आज मैं आपको एक टास्क भी दूंगा मज़े वाला, आप भी करने का ट्राई करना, ठीक है गैस? अभी हम लोग पहले बंदे देख लेते हैं, यहाँ पे साउथ आउटफिट हमारे हो चुके हैं, और फिर हम करते हैं रश। यहाँ पे गाड़ी रुकी थी, अब ये बंदे दो थे और दोनों अलग अलग घरों में गैस रुके हुए हैं। एक राइट वाले में रुक गया था और एक रुक गया था लेफ्ट वाले में। तो पहले हमने किया राइट वाले पे रश, जो कि ऊपर बना होगा जहरीला सांप, पबजी का सबसे जहरीला सांप, डसने के लिए एकदम तैयार, ज़मीन के ऊपर लेटा हुआ था, पिछवाड़ा ऊपर की तरफ करके धूप लगवा रहा था, लेकिन धूप नहीं आ रही थी। फिर भाई को हमने पे गरोजा से नॉक किया, मेरे दूसरे टीम में नीचे है, तो हमने नीचे जंप किया और नीचे जाके भाई वो जो हमारे वो जो टीममेट थे ना, पता नहीं बेचारा डिस्कनेक्ट हो गया था या क्या, समझ से बाहर है। फिर हमने इनको भी नॉक किया गाइस। एक और बगी आती है यहाँ पे अंदर, बगी का साउंड आता है तो हम लोग इन पे इस पर रश करते हैं। और ये भाई साहब हमारे जो है ना अंदर ऐसा खतरनाक कैंप करके बैठे होंगे, जिंदगी खतरे में आ गई, लेकिन हम लेट गए फौरन से। ओ पॉज दे रहा है गाइस, देखो पॉज दे रहा था ये हमारा भाई, स्कोप ऑन किया तो बैठा नजर आ रहा था, लॉल। फिर गाइस हमने भाई की लूट मजे से। और टास्क ये है गाइस कि लाइक ऑल पे ना, मैं ऑल पे बोलते ना बात करते, तो पता है बहुत से लोग क्या बोलते हैं मुझे, ननोनीमस या अनोइमियस, चलो अनोइमियस कर देते हैं, ननोनीमस थोड़ा अजीब हो जाएगा, अनोइमियस, ठीक है, अनोनीमस, अनोइमियस, अनोनीमस। अब आपको ना जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलते थे ना बचपन में, अब वो तो मैं बोल लेता हूँ आराम से, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, वो मैं बोल लूँगा, ठीक है। और एक और चीज़ मुझे आती है बोलना, वो है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये तो हो गया आसान, ठीक है, लेकिन आज हम करेंगे अनोइमियस अनोनीमस, अनोइमियस अनोनीमस, अनोइमियस अनोनीमस। ओके आप भी करना, ओके ठीक है गाइस। और मुझे बताना लाइक अनोइमियस अनोनीमस ये बोलोगे तो एक बार होगा जस्ट, आप जितनी बार भी बोल पाओ ना, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितना ज़्यादा बोल पाओ ट्राई करना बोलने का। और फिर कमेंट में अपना हाई स्कोर लिख देना, कुछ ऐसे लिखना कि माय हाई स्कोर और फिर अपना स्कोर, तो आप सब एक दूसरे का स्कोर देख के लाइक करना, क्योंकि भाई देखो गाइस ऐसे झूठ नहीं बोलना, सच्चा सच्चा स्कोर लिख देना। और फिर देखते कौन सा हमारे, कौन सी अनोनीमस की पब्लिक हमारा जो है वो हाईएस्ट स्कोर बनाती है। तो देख लो हम आपको वीडियो के भी मज़े, अपनी सस्ती शायरी के भी मज़े, और मैं अब गेम भी कुछ ना कुछ ऐड कर देता हूँ, तो पब्लिक देख लो कितना मज़ा आता है। फिर भी बस सपोर्ट दिखाया करो, लाइक वाइक ठोक दिया करो, बहुत जल्दी इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे साथ लाइक देखो फिर मेरी ज़ुबान फिसल गई गाइस, लॉल। बहुत जल्दी हमारी 7 लाख की फैमिली इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। और फिर आपको बताना क्या बोलना है कि अनोइमियस अनोनीमस, अनोइमियस अनोनीमस, मैं अटक जाता हूँ मैं भी, लॉल। मैं प्रैक्टिस करूँगा इंशाल्लाह और फिर अच्छे से करूँगा। तो गाइस यहाँ पे फिर आ जाते हैं हम ड्रॉप पे, और ड्रॉप में होती है ऑग जो हमें फिलहाल नहीं चाहिए थी, लेवल 3 में बस ऑलरेडी था जो मैंने ड्रॉप से उठाया था। और फिर हम अपनी मेहरान गड्डी उठा के गाइस सामने कर देंगे रश, जहाँ में लग रहा था बंदे, बट वहाँ बंदे वंदे होते नहीं हैं। लेकिन इतनी देर में बाबा जी जैसे हम वहाँ रुकेंगे, पीछे से आ जाएगी पूरी की पूरी गड्डी, गड्डी बोलने वाला था फिर मेरी ज़ुबान फिसल गई, गड्डी आ जाती है गाइस। और ये पूरा स्क्वाड था, और मैं थोड़ी सी यहाँ पे ना वॉइस ओवर रोक देता हूँ, अजाने हो गए, उसके बाद फिर कंटिन्यू करूँगा। तो गाइस ये गाड़ी वाले रुक जाते हैं, इनकी गाड़ी से भाई धुआं निकलने लग गया था, बट ये लोग यहाँ पे साइड पे रुक जाएंगे। और
ये करेंगे हम पे रश। लेकिन बाबा जी रश करना मतलब ऐसे कैसे बाबा जी। तो हम आगे थोड़े से आगे वाले घर में यहाँ था, लाइक मुझे जब साउंड आया कि वो बंदा सामने है, वो देखो गन भी उसकी गिली चोरी है। फिर मैं फैसला किया नेट करूँ, बट आजकल मेरे नेट बड़े ख़राब हो रहे हैं। मैं फिर ज़्यादा ही कुछ कुक कर दूंगा उसको, जब तक फेंकूंगा ये हवा में फट जाएगा। एक सेकंड तक जब मैं फेंकूँ ये पक्का हवा में फटा, उसको बड़ा डैमेज नहीं हुआ। उस बेचारे का नेट भी हवा में फट गया और डैमेज नहीं होता मुझे। तो गैस उसके बाद मुझे इनके एक टीममेट नज़र आएंगे जो अपना पिछवाड़ा दिखा के वापस भाग रहे होंगे। बट सर जी ऐसे कैसे, सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं, वो रहे अपने भाई को यहाँ पर नॉक किया। बाकी बचे गए दो बंदे और फिर मैं नीचे जंप कर देता हूँ। अब गए एक ही बंदा बचता हो, यहाँ तो हो गया पी रैंक। मैं लेट गया और बेचारे को समझ ही नहीं लगी कि मतलब एनिमी गया कहाँ, क्योंकि उसका टीममेट ही वहीं पे नॉक पड़ा था। कंफ्यूज हो गया बेचारा और फिर हमने यहाँ पे मौत को छुआ बाबा जी और टक से वापस आ गए। फिर गए यहाँ पे ऊपर से एम के हमारे बम पे पड़ने लग जाती है, तो हम साइड पे भाग के आ जाते हैं और फालतू चीज़ें नीचे गिरा देंगे। और अब एम के वालों को भी गैस किल उठाने थे और उनकी क्रेट से कपड़े उठाने, और मैं भूल चुका हूँ कि कितने कपड़े पहले हुए थे। मैं बड़ा भुलक्कड़ हूँ, आप लोग काउंट करके गैस बताना, आप लोग को याद होगा, बट मैं भूल गया हूँ कि कितने कपड़े थे। तो लेकिन 20 नहीं हुए थे गैस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी हम लोग 20 क्रेट से कपड़े उठाएंगे। और फिर गैस हमने गाड़ी में अब टीममेट के साथ ऊपर की तरफ कर दिया रश, जो बंदा एम के चला रहा था और काफ़ी अच्छा एम के मार रहा था। लाइक डैमेज तो उसने नहीं दिया, बट एम के बड़े पास पास से जा रही थी, तो ये लाइक मुझे आइडिया हो गया था कि वो बंदा नोब नहीं है। तो गैस यहाँ पे मैंने एड्रेलिन मार ली, ताकि अब मैं उसको एड्रेलिन ही बोलता हूँ, बट इसका नाम कुछ और ही है। फिर ऊपर कर दिया गैस हमने रश एम के वाले पे, और वो नीचे होगा, मैं उससे ज़्यादा ऊपर वाली हाइट ले लूँगा। गैस अपनी एनिमी को हमेशा हाइट पर जाके मारो। अभी वो देखो यहाँ था तो मैं यहाँ रुका नहीं, मैं और ज़्यादा हाइट पर चला जाऊँगा, और हाइट पर जाने के बाद गाड़ी रोक दूँगा यहाँ से उतर के। अब इसको मारूँगा क्योंकि जो बंदा ऊपर होता है ना उसके पास ज़्यादा अच्छा एंगल होता है। अब इसको डैमेज हुआ और मुझे लगा ये अकेला, बट इसका यहाँ पे एक और टीममेट था गाइस। फिर मैं इसके टीममेट को नॉक किया, इस भैया पे हम करेंगे रश। एक दो गोली पड़ी और फिर बाबा जी हमने भाई का किल जो है वो ले लिया। 15 किल गाइस हमारे हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे जो है ना 5 लाइव रह गए थे बस, जिसमें 2 बंदे हमें। और उसके बाद हम इनकी क्रेट से भी गाइस कपड़े उठाएंगे। आप लोग काउंट करके कमेंट करके बताना कितने क्लोथ हो गए थे, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोग 20 करके अचीवमेंट पूरी करेंगे। मैं खुद भी अचीवमेंट देखूंगा कि अचीवमेंट है क्या, लाइक 20 कपड़े उठाने या मार के ही उठाने बस। तो ये मैं इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो हम सेम चैलेंज इसमें करेंगे, तो उसमें आपको क्लियर थोड़ा सा कर दूंगा। इस भैया के बाद तो गिली होता है, लेकिन मैं गिली भी उठा लेता हूँ, आउटफिट तो है ना चेंज हो गया। और फिर हम लोग अपनी मेहरान गड्डी उठाएंगे गाइस और आ जाएंगे वापस से नीचे की तरफ। नीचे जाके जो है ना ये जो बंदे हमने नीचे मारे थे इनके भी आउटफिट पहनते हैं, ताकि हम गिनती में इजाफा कर सकें। और यहाँ हमने किया लाइक ऐसी ड्राइविंग, कौन करता है गाइस, आप ऐसी ड्राइविंग करते हो मुझे बताओ, ऐसी ख़तरनाक ड्राइविंग आपने कभी की है लाइफ में? कैसे मैंने पहाड़ के सज्जे खब्बे करके गाड़ी उतारी है, देखो ऐसे ऐसे कौन उतार सकता है बताओ मुझे, है ना गाइस? इतनी प्यारी ब्यूटीफुल ड्राइविंग कौन कर सकता है, सिर्फ आपका अनॉनिमस। और फिर गाइस इसके आउटफिट उठा लिए बेचारे के, अलग अलग कपड़े थे ये हमने उठा लिए, मज़े के लग रहे हैं ऐसे कपड़े। फिर ये भैया के कपड़े उठा लिए, और जिन ये जो गाइस पीछे मूव करते हैं ना कपड़े, ये बड़े ऑसम लगते हैं, एकदम हॉटी हॉटी लगते हैं। तो गाइस अभी एक बंदा जो हमने ग्रोजर से नॉक किया था उसकी बॉडी ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर आया, और इसके पास भी आई गेस गिली सूट था, नहीं नहीं इसके पास गिली नहीं था, बट यहाँ एक बंदा कैंप कर रहा होता है गाइस। तो भैया को हमने यहाँ पे फिनिश किया, और इनकी बॉडी से भी सूट उठा लेंगे गिली वाला, एक और आउटफिट का इजाफा हो चुका है। अब गाइस बचे, अब मैं बार बार गाइस गाइस बोल रहा हूँ ना, आप लोग तंग तो नहीं आ गए? ओके ओके, अब मैं गाइस नहीं बोलूँगा गाइस, अब मैं बिल्कुल गाइस नहीं बोलूँगा गाइस, और आपको अब गाइस सुनने को नहीं मिलेगा गाइस। फिर गाइस 2 ही बंदे बचे थे गाइस, और हमने फैसला किया हम गाड़ी उठाएंगे और 2 बंदे ढूंढेंगे। तो काफ़ी ढूंढने के बाद जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे आए फुट प्रिंट, वो भी मेरे मैप में। ए आ जाओ, ये आए देखो गाइस, फिर मैं गाइस बोल दिया। गाड़ी साइड पर रोकेंगे और करेंगे बाबा जी इन पे रश। ग्रोजा हमने निकाल ली, भाई की हमें पोजीशन नहीं पता था फिलहाल। थोड़ा सा आगे जाके हमें भाई नज़र आएंगे कि भाई कर रहे हैं एक नंबर की खतरनाक वाली कैंपिंग, पत्थरों के नीचे बैठे हैं। यहाँ पे उन्होंने भाई को भाई नॉक तो कर दिया, लेकिन भैया ने हमें काफ़ी सारा डैमेज दिया। मिस्टर जानी नॉक पड़े हैं, इनको करेंगे फिनिश। अब इनके टीममेट कर सकते हैं रश, तो हम पहले ना हील कर लेंगे और उसके बाद इनके टीममेट को ढूंढेंगे।
तो गैस उसके बाद एक बंदा सामने लेटा हुआ था, टीममेट ने स्पॉट किया, मैं रश करता हूँ उस पर और ऐसे हमें मिलता है चिकन विनर डिनर डिनर। एक्चुअली नहीं मिलता गाइस चिकन विनर, अभी पता है चिकन के इतने ग्लिच हो गए ना, लाइक MVP कोई और आ जाएगा और ये भी ग्लिच है। अभी ये देखो गाइस मेरा चिकन मिल गया लेकिन फिर भी जो है ना मेरी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा था कि नेट करके देखो नॉक होता है या नहीं, नॉक नहीं होता बट चिकन विकन और ऊपर जो वापस लॉबी जाने का ऑप्शन आ रहा था वो नहीं आ रहा था, तो मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ फिर मैं लॉबी आ जाता हूँ सीधा। तो लेकिन मेरा ग्लिच हो गया था और चिकन मिल गया था बट शो नहीं हुआ। तो गाइस उसके बाद हम आते हैं अपने TDM की तरफ और TDM में मैं आज वो गन यूज़ करने वाला हूँ जिसको सब कूड़ा कूड़ा कचरा समझते हैं और कोई यूज़ नहीं करता। मैंने कहा आजमाते हैं TDM में कि बाबा जी ये गन कैसी है। तो ये गन कुछ ऐसी है, इसने आते ही हमारा कबाड़ा कर दिया और ये देखो बॉट की तरह भाग रहा है मेरा भाई, लेकिन इसने हमारी बैंड बजा दी और म्यूटेंट ने हमें लाइक पहले पहले जाते ही साथ ही हमारी जो है ना लाश ज़मीन पे गिरवा दी। फिर हमने दोबारा से किया रश, म्यूटेंट हमारे हाथ में, बंदा आया भाग के, यही था गाइस यही था, गए हमारे भैया, हमने ले लिया अपने मौत का बदला। पिछवाड़ा ज़मीन पे घिसते हुए फिर जंप करते हुए हवा में पिछवाड़ा उछालते हुए दूसरे बंदे को भी नॉक की फिनिश किया। Level 3 की वेस्ट उठा लेंगे और ये भैया अंदर घूम रहे हैं। ये हमने अपने टीममेट को दिया बाबा जी कवर और फिर अपनी म्यूटेंट कर लेंगे रीलोड। गाइस रीलोडिंग में बड़ा टाइम लगा रही है बस इसलिए थोड़ा सा जो है ना वो गुच्ची गुच्ची लग रही है मुझे, वरना अच्छा डैमेज है इसका। ओके यहाँ मैं मिस कर गया एम थोड़ा सा, लाइक एक लैंग्वेज में बोला जाता है कि हक दिया कह सकते हैं। और फिर आइए ओ भाई को मारा था लेकिन ये पी लिया गाइस इस बंदे ने इतनी बार मारा ना, ये आगे नहीं आ रहा था और एकदम कैंप करके मिनी 14 से पत 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 करके मार रहा था। मैंने रेन निकाला फेंकने लगा लेकिन हमारे टीममेट ने मार दिया, तो हम नहीं चाहते थे हमारे टीममेट हमारे नेट से ठाक करके पड़ जाए। गाइस एक आपको एक मजे की बात बताता हूँ, मैं ना कुछ दिन पहले TDM खेल रहा और इसमें ना एक अरबी आया, तो मेरी स्ट्रीक जा रही थी 10-11 की, ठीक है, अरबी ने मुझ पर नेट कर दिया गलती से और मैं मर गया, ठीक है। तो जब मैं मरा तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, मैंने कहा इसने जानबूझ के स्ट्रीक मेरी ज़्यादा हो गई थी, इसने जानबूझ के मार लिया। तो फिर जब मैं दोबारा ज़िंदा होकर आया स्पॉन होकर, फिर मैंने क्या क्या नेट निकाला और जानबूझ के उस अरबी को नेट से किल कर दिया। तो बताओ माइक ऑन था ऑफ था उसका, ऑन करके कहता है पाकिस्तानी आई डोंट किल यू माय नेट किल यू सॉरी। इतनी हंसी है ना गाइस, लेकिन उसकी जो इंग्लिश थी ना वो काफ़ी फनी थी, कहता है पाकिस्तानी आई डोंट किल यू माई नेड किल यू, वो मेरे को काफ़ी हंसी आई। फिर मैं लाइक चैट में ओके लिखा, फिर भाई को नहीं तंग किया मैंने, तो को लगा जानबूझ के नेड कर दिया। तो उनकी इंग्लिश काफ़ी फनी थी और म्यूटेंट लेके गाइस हम अभी ठा ठा डुस डुस मार रहे हैं और 21 किल्स हमारी टीम के, 14 किल्स जो हैं वो एनिमी के हो चुके हैं, 10 किल जिसमें हमारे हैं और मैच काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया था। ये भी गाइस बहुत ही कम होता है कि मैच जब वो 10 मिनट तक जाता है, वरना तो 3-4-5 मिनट में एंड हो जाता है। कोई भी सबर से नहीं खेलता ना, और ये हमने ठाठा डुस करके मारा दोबारा उसी भैया को और ये पी लिया भैया ने काफ़ी डैमेज दिया हमें और ये पी लिया भैया जम करके आए पी लिया भैया कहाँ के। ये देखो गाइस दो दो किल चुरा लिया हमारे, नहीं मतलब क्या आपकी शादी पे आपकी गाड़ी का टायर पंचर होगा हमारे टीममेट जिन्होंने हमारा किल, और ये हमने उसको मारा लेकिन हमारे पी लिया भैया मिनी 14 दैट डॉट ठाठा डुस करके दोबारा हमें मार दिया। और ये वो भैया आगे जो बॉट की तरह चल के नई वाली गन चला के हमें सबसे पहले जिन्होंने हमें वापस से स्पॉन किया था। फिर हम पिछवाड़ा घास पे घिसते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं गाइस और ये काफ़ी लो है मिनी वाले ठाठा डुस डुस, और हमने इनको मारा और ये हमारी बैंड बजा दी इन्होंने जंप करके पिछवाड़े पे पीले कलर का पैन उठा के, ये भैया जो हमारे वो जंप करके इन्होंने हमारी बैंड बजाई, फिर मेरी ज़ुबान फिसल गई थी लॉल। तो गाइस ऐसे मिली हमें विक्टोरी, उफ थका दिया गाइस आज आपकी कमेंट्री ने वाकई में बहुत, आज मैं मुझे लगा मैं थक गया सच में। गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना, मेरे को बाबुर लगे माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहना और सपोर्ट करते रहना अनॉनिमस की पब्लिक। और प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना गाइस, मैं एडिट करके वहाँ पर फनी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ और आप लाइक हर खबर से बाखबर रह सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके। बाकी गाइस इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, लव यू सो मच अनॉनिमस की पब्लिक, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना,
अल्लाह हाफिज़।